भारत में एयरवेज इंडस्ट्री मुश्किलों के भरे दौर से गुजर रही है। इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट के विमानों में भी पिछले 2 दिन में 8 तकनीकी खराबी के मामले सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार शनिवार को मुंबई के लिए उड़ान भरने से पहले जेट एयरवेज की एक 737 विमान का पहिया खराब पाया गया और जब तक इसे ठीक नहीं कर लिया गया ये उड़ान नहीं भर सका। वहीं कंपनी की मुंबई से दोहा की उड़ान वापस लौट आई, उसके एयरबेस A330 के दूसरे इंजन में कंपन महसूस किया गया, जबकि मुंबई से ही चेन्नई की उड़ान भरने वाले विमान को भी तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना पड़ा। इसी तरह कंपनी की 17 मार्च को उड़ान भरने वाली मुंबई जयपुर उड़ान भी अपनी वापसी की यात्रा के अगले दिन पूरा कर पाई। इसके अलावा रविवार को एयर इंडिया के चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर और गुवाहाटी से इम्फाल जाने वाली 2 फ्लाइटें A321 विमानों में भी तकनीकी खराबी की शिकायत दर्ज की गई है। हालांकि एयर इंडिया की ओर से इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं मिली है।